देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे महादेव, सबके महादेव, सबके पालन करता। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। रामकोला क्षेत्र के अमवा मंदिर, काफ़ी भव्य, काफ़ी पुराना मंदिर है यह। और बाहर नंदी महाराज, महादेव के प्रिय भक्त। काफ़ी प्राचीन मंदिर है यह। और इस मंदिर की एक ख़ास बात और है कि अंदर इसके 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। आइए आपको सबका एक एक करके दर्शन कराता हूँ। और यह हमारे राम जी और माता सीता जी हैं। और यह आपके सामने देखिए एक एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो रहा है, जैसे लगेगा कि आप 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन आप लोगों ने कर लिया। बोलिए प्रेम से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसन्ते हृदय रविन्द्रे भवन भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रांगण है, जितने लोग भी देख रहे हैं वो एक बार इस मंदिर में जरूर आए। काफ़ी प्राचीन, काफ़ी भव्य मंदिर है यह। और इसकी कहानी अपनी बहुत मार्मिक, भव्य और रोचक है। और देखिए इस प्रांगण में एक कुआं भी है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ शिव का मंदिर होता है उसके आसपास जो भी तालाब कुएं होती हैं वह बिल्कुल गंगा जल के जैसे समान होती हैं। और यहीं से लोग आते हैं और इस कुआं से पानी भर के और भोलेनाथ का, भोलेनाथ को नहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मंदिर पसंद आया होगा। और जितने लोग भी देखेंगे इस एरिया के आसपास के लोग, जितने लोग हैं वो एक बार इस मंदिर पर जरूर आएं। बोलो प्यार से ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव की, ओम पर्वते पते हर हर महादेव।